शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोस्तों मैं भी कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में और आप लोग भी कुछ ऐसा ऐसा व्यू देख सके। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज वीडियो में मैं अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखाऊंगा जो Insta360 के साथ होगा। तो क्या क्या मैंने गैजेट यूज़ किया है और कौन सा गैजेट चाहिए आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए, साथ ही में Insta360 के साथ कौन सा गैजेट आपको चाहिए, तो आइए अभी मैं दिखा देता हूँ मेरे पास कौन सा गैजेट है अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए जो आपका Insta360 के साथ होगा। और दोस्तों इसी में आपको वीडियो फुटेज दिखा दूंगा Insta360 का वीडियो फुटेज कैसा है। तो आइए दोस्तों अभी आप देख लेते हैं मेरे पास कौन सा गैजेट है मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। तो दोस्तों यही है मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए कुछ गैजेट जो आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप करने में चाहिए, जो जिसका नीड है। तो क्या क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, ये आपका Insta360 और इसके साथ MS Index का मेमोरी कार्ड है A1 का, और ये आपका हो गया Insta360। ये आपका एक हो गया चेस माउंट, और ये आपका माउनो का माइक है जिससे अभी आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे, और ये आपका हो गया Insta360 का इंडिविजुअल सेल्फी स्टिक, और साथ ही में दोस्तों ये एक ट्राइपॉड है, और दोस्तों ये आपका Insta360 माइक एडाप्टर जिसके लिए आपको मोटो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया एडाप्टर, ये आपका कुछ जे माउंट है दो, एक स्क्रू है और ये कुछ स्क्रू है जिसमें मोटो ब्लॉगिंग के लिए चाहिए, और ये आपका हो गया मेरे पास एक्शन प्रो का, इसमें आप अपना कैमरा होल्ड करेंगे, या आपका GoPro हो या आपका Insta360, या अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते या नहीं ब्लॉक करते तो आप उसमें भी लगा सकते। ये मेरा हो गया एक्शन प्रो का। और दोस्तों ये हो गया हैंडल में लगाने के लिए, और जिसमें आप GoPro हो गया आपका Insta360 हो गया आप माउंट कर पाएंगे हैंडल में, जो हैंडल होगा इसका बीच में आ जाएगा ये दोनों स्क्रू खोल के। और दोस्तों ये मैंने एक क्लॉथ एक ले चुका है Insta360 के साथ ही मुझे मिला था। और दोस्तों ये आपका मोबाइल होल्डर जो मोबाइल माउंट करने के लिए है, कभी अगर नीड पड़े तो इस्तेमाल हो सकता है। और साथ ही में दोस्तों ये मेरे पास है स्टार्ट्स का एक हेलमेट जिसे आप देख पा रहे। तो यही कुछ है दोस्तों गैजेट सब। तो आइए एक बार हम अपना हेलमेट में इसी हेलमेट में सब कुछ फिक्स करके आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा आता है। तो आइए दोस्तों अभी हम लोग अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर लेते हैं। फिलहाल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए मुझे जो जो चीज़ का नीड है वो मैं भी टेबल पर रखता हूँ, बाकी सब सेट कर देता हूँ। तो जैसे कि अभी मुझे Insta360 मेमोरी कार्ड और जे अमाउंट का और एक्शन प्रो का ये अमाउंट 2 चाहिए, तो बाकी सामान अभी मैं सब सेट कर देता हूँ। और दोस्तों ये एडाप्टर भी चाहिए तो इसको भी मैं रख देता हूँ टेबल पे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस अमाउंट को हम अपना हेलमेट में फ़िक्स कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे कुछ उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको अपना कैमरा लगाने के लिए जे अमाउंट को फिक्स कर लेता हूँ कुछ ऐसे करके। ऐसे करके लगाता है दोस्तों, लेकिन मैं ऐसे करके लगाऊंगा इसको कुछ नहीं। दोस्तों ये चीज़ तो आपको ऐसे प्रेशर करने से अंदर की तरफ चला जाता है, तो दोस्तों ऐसे करके इसको लगा लेना है। और उसके बाद दोस्तों ये स्क्रू माउंट को भी इधर लगा लेना है जहाँ पे आपका इधर कैमरा जो लगेगा। और दोस्तों ये लगाने के बाद ये वाला स्क्रू से इसको कस देना है कुछ ऐसे करके। तो फिलहाल मैं इसको ढिलाई रखता हूँ क्योंकि मुझे कैमरा भी माउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको हेलमेट में फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसे करके लग जाएगा। और दोस्तों जैसे कि ये मेरा स्टार्ट्स का हेलमेट है तो इसमें आपको ये कपड़ा टू मिलेगा, तो मैंने इधर काट दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो स्ट्रेप टू है ऐसे करके अगर जाता है दोस्तों तो इसमें लगता है और कैमरा गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया इधर से। तो स्ट्रेप टू में इधर से घुसा देता हूँ दोस्तों कुछ ऐसे करके, इसको स्ट्रेप को ऐसे करके घुसा देना है। और दोस्तों उसके बाद ये आपका लॉकिंग सिस्टम है, तो इसका अंदर ही कपड़ा एक कुछ ऐसे करके इसको ऐसे करके घुसा के ऐसे आपको लॉक कर देना है। तो फिलहाल मैं उधर से लगा देता हूँ इसको। तो दोस्तों फिलहाल मैंने इसको अच्छे से कस के बांध दिया है जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। फिर दोस्तों देख पा रहे ये जो दो लॉक है तो मैंने ये कर दिया है, तो इसको मैं अच्छे से माउंट कर दिया हूँ, तो ये अभी नहीं हिल रहे थोड़ा सा भी। तो अभी दोस्तों और कुछ नहीं, बस अपना कैमरा को एंगल मिला के आपको फिक्स कर देना है। तो ये दोस्तों अभी हम लोग अपना कैमरा का ये आपका मेमोरी कार्ड और एडाप्टर मैं लगा देता हूँ, साथ ही में माइक भी कैमरे में लगा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मेमोरी कार्ड लगाने के लिए
बैटरी का ये जगह खोल लेना है, और जैसे ही आप खोलेंगे तो आपका इधर मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिखाई देगा। तो ये आपका मेमोरी कार्ड का स्लॉट हो गया, तो इसमें आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर देना है कुछ ऐसे करके, होगा तभी फिक्स हो जाएगा। तो हो गया दोस्तों, अभी हमने इसको बैटरी को लगा देते हैं। बैटरी को दोस्तों ऐसे प्रेशर करने से ये जो ऑरेंज जब तक नहीं आएगा तब तक सोचिए कि ओपन ही है, तो जब ऑरेंज आ जाएगा लॉक हो जाएगा दोस्तों। लॉक हो गया, अभी अपना एडाप्टर लगा देते हैं। एडाप्टर का जगह इधर है दोस्तों, तो इसको आप जैसे पुल करेंगे ये आपका खींचेंगे जब ये निकल आएगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इसको खोल के रखेंगे तो ये कैमरा जो Insta360 ये आपका वाटर प्रूफ नहीं रहेगा। तो आइए अभी मैं अपना एडाप्टर लगा देता हूँ। ये जब लॉक देख पा रहे तो इस लॉक को आप इधर लगा देना होगा, इस लॉक पे लगा देना होगा कुछ ऐसे करके, ये आपके इंसर्ट हो गया। तो इधर दोस्तों माइक लगाने का जगह है। दोस्तों माइक तो मैं बाद में लगाऊंगा, डायरेक्ट आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में आपको वॉइस क्वालिटी के साथ कैमरा क्वालिटी दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ये हेलमेट माउंट करके दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं लगा चुका हूँ और अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और अगर दोस्तों आपको भी मेरा ज़्यादा डर लगता है तो ज़रूर इसमें MC लगा दीजिएगा। फिलहाल मैंने लगाया नहीं, लेकिन मैं आज लगा लूँगा, क्योंकि दोस्तों ये जैसे कि आप जानते हैं SSD का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दोस्तों डर लगता है। तो मैं एक काम करूँगा, इसमें पूरा अच्छे से MC लगा दूँगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों ये आपका लेंस गार्ड है दोस्तों, अभी कुछ फिलहाल ऐसा दिख रहा है। तो ये दोस्तों अभी इससे डायरेक्ट आपको फुटेज दिखाते हैं, साथ ही में वॉइस क्वालिटी भी आप सुन लीजिएगा कि कैसा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल मेरा एक्चुअली वो वीडियो था और रात को शूट किया था, और अभी सुबह हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा गाड़ी है स्कूटी जॉइंट रॉक। तो फिलहाल मैं इसी से जाऊँगा कुछ फुटेज शूट करने इसे Insta360 से। तो आइए सबसे पहले मैं अपना गाड़ी ले लेता हूँ। दोस्तों गाड़ी में तेल कमती है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ पेट्रोल पंप तो जाएगा नहीं, बहुत ही गमती है दोस्तों, पेट्रोल पंप तो शायद नहीं जाएगा। दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ, अभी आप देखिए बहुत तो जगह पानी देख रहे, रात को बहुत ही बारिश हुआ था, और जो मैंने वीडियो बनाया था तो ये रात का ही था, और मैं अभी सुबह निकला हूँ कुछ फुटेज कैप्चर करने के लिए Insta360 से। तो अभी सबसे पहले दोस्तों मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ, और उधर से मैं पेट्रोल भरा के कुछ एक अच्छा लोकेशन पे जाता हूँ, और जाके उधर थोड़ा Insta360 का व्यू और आपका सिंगल लेंस का वाइड एंगल का कुछ फुटेज लेके आप लोगों को दिखा दो। सुबह सुबह दोस्तों बारिश भी हुआ है, और दोस्तों मौसम भी पूरा ठंडा है, ये तो गुवाहाटी में फ़िलहाल तो बहुत ही गर्मी है, तो अभी तो अच्छा है, जो अच्छा लग रहा है बारिश वरिश दिया है, ठंडा ठंडा मौसम है। दोस्तों मेरा जो है कैमरा चीन माउंट जो था उसको मैं बहुत अच्छे से टेप से लगा चुका हूँ। तो फिलहाल दोस्तों ये हम लोग का हो गया चाराली, जहाँ पे हम लोग का न्यू एक्सप्रेस वे बन रहे। सुबह का व्यू देखिए दोस्तों बहुत ही सही है। दोस्तों ये पेट्रोल पंप है लेफ्ट साइड में, तो मुझे आगे से घूम के आना पड़ेगा। शायद दोस्तों पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पता नहीं बंद हो गया था बीच में, तो जो भी हो पेट्रोल पंप पहुँच चुका हूँ, अभी पेट्रोल भरा लेता हूँ। दोस्तों फाइनली पेट्रोल भरा चुका है, तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने लोकेशन पे। दोस्तों फिलहाल अभी मैं इधर बैठा हूँ, और दोस्तों अभी आप जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आपका Insta360 से, जो इनबिल माइक आता है उसी से हो रहा है। तो क्वालिटी कैसा है मुझे नहीं पता है, घर में जाके मुझे मालूम चलेगा। बाकी सब इधर का दोस्तों व्यू देख सकते हैं। इधर देखिए बंदर मामा को क्या कर रहे हैं। वाह दोस्तों क्या व्यू है, ऐसी जगह में और क्या चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इधर एक व्यू पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों इधर का कुछ ऐसा व्यू है। और दोस्तों अगर इस कैमरे के बारे में कुछ बोलूं तो मुझे अभी इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ। कुछ दिन जाने के बाद ही मैं बोल सकूँगा कि कैसा है क्या है। जैसे कि अभी मैं आज चला रहा हूँ तो इससे मुझे थोड़ा कुछ मालूम चलेगा, तो मैं नेक्स्ट आपको बोलूँगा, तो उस टाइम और अच्छे से हो सके तो मैं रिव्यू और अच्छे से एक बार कर दूँगा। ये जो टर्निंग था दोस्तों, ये मुझे दूसरा एंगल से लेना था, लेकिन क्या करूँ, मैंने स्टिक ही नहीं लाया, नहीं तो इधर का लोकेशन हिसाब से मेरा वो रिकॉर्ड अच्छा होता। कुछ नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं जाता हूँ, और क्या करूँ, इधर बहुत टाइम रुक लिया, भूख भी लग रहा है, कुछ खाना भी है, तो घर में जाके खा लूँगा। अभी देखता हूँ बाहर, अगर कुछ मिलता है बाहर ही खा लूँगा। और दोस्तों इधर का टर्निंग बहुत ही शार्प टर्निंग है, बस बारिश गिरा है इसलिए धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। और दोस्तों आप व्यू एंजॉय कीजिए, बहुत ही सही व्यू है।